हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रजनी प्रीत सिंह होम चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि स्पेशल नो अनियन नो गार्लिक सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और सब्जी बनाने के लिए हमने ले रखा है बाकला। ये गांव में बहुत ही इसकी लोग सब्जी बना के खाते हैं और शहरों में भी मिल जाता है आसानी से। तो अगर आपको कहीं मार्केट में बाकला दिखे तो इसकी सब्जी बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, सेम बीन्स की तरह इसका स्वाद आता है। तो चलिए इसको पहले काट लेते हैं। तो हमने बाकले और आलू को काट लिया है और चलिए इसकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और सब्जी हम बिना लहसुन और प्याज के ही बनाएंगे, तो आप इसको नवरात्र में ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो सब्जी में डालने के लिए हमने टमाटर और हरी मिर्च को काट लिया है, सरसों का तेल रख दिया गर्म करने के लिए, और इसमें हम मेथी का तड़का और जीरे का तड़का लगाएंगे। तो मेथी और जीरे का तड़का डालने से इसमें लहसुन प्याज अगर आप नहीं डालेंगे तब भी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। और थोड़ी सी इसमें हमने डाल दी हींग, हरी मिर्च, और जो टमाटर हमने काट रखे थे उसको भी डाल देते हैं। तो हमारा नवरात्र देखिए अब शुरू होने वाले हैं और बहुत से लोग नवरात्र में लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। तो देखिए हमारा पक चुका है, यहीं पर हम डाल देते हैं इसमें गरम मसाले। इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर सब पहले से मिक्स था, तो इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर आधा चम्मच है। और यहीं पर डाल देंगे चुटकी भर इसमें काली मिर्च का पाउडर। इसको डाल के हम मसालों को भून लेंगे और उसके बाद ही हम इसमें सब्जी डालेंगे। आपको मेरे चैनल पर और भी रेसिपीज मिलेंगी जिसमें मैंने लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं किया था। उसमें छोला पनीर और आलू मटर की सब्जी और टमाटर की सब्जी है, उस सबको भी आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा, बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें हम थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद चला के इसको हम ढक देंगे। और उसकी हम सूखी सब्जी बना रहे हैं। अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे तो आप यहीं पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, और सब्जी को चला के फिर हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे जिससे सब्जी हमारी बहुत जल्दी से पक जाएगी। जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक इसके साथ खाने के लिए हम पराठे भी बना लेते हैं। और ये तिकोने शेप के पराठे हैं, चार कोने के भी पराठे बनते हैं, उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए हमारी सब्जी भी पक के तैयार है, और इस बार नवरात्र में आप इस बिना लहसुन और प्याज की सब्जी की रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।